डियर बच्चा, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर के अंदर, और बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। सो बेसिकली होता क्या है ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफ़र करना है आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर। मीडिया यानी कि कौन सा मीडिया यहाँ पर है जो बेसिकली यूज़ हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे मान लीजिए कोटा से दिल्ली कोई भी चीज़ है जो भेजनी है, कोई सामान भेजना है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैं बाय एयर भेज सकती हूँ, किसी ट्रक के थ्रू भेज सकती हूँ, या खुद जा करके दे सकती हूँ। तो यानी कि सामान भेजने के लिए मैं कौन सा मीडियम है जो बेसिकली यूज़ कर रही हूँ। वैसे ही जब बात आती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट पर हम सामान यानी कि हम सामान किसको बोलते हैं? डेटा को। सो वो जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पर मेरा किस तरीके से पहुँच सकता है, कौन सा मीडियम है जो बेसिकली यहाँ पर यूज़ होगा? क्या मैं तार का सहारा लेकर के डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या फिर बिना तार का सहारा लिए? अगर तार का सहारा लूँगी तो कितने तरीके की तारें होती हैं, और अगर बिना तार का सहारा लिए यानी कि वायरलेस मीडियम के साथ में, तो कितने तरीके के होते हैं? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। वायर का सहारा यानी कि गाइडेड, और बिना वायर का यानी कि इसको अनगाइडेड है, जो नेटवर्किंग की भाषा में बोला जाता है। और आज की कक्षा में बेसिकली जो हमारा कॉन्सेंट्रेट है वो यहीं पर रहने वाला है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नोट्स, जो पीपीटी है जो मैंने बनाई है, उसको आप लोग बड़े ही प्यार से और अंत तक देखिए, क्योंकि अगर एंड तक देखोगे तभी चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी, वरना फिर ऊपर ऊपर से तो लगे रहो, है ना। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ बोलेंगे, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया क्या आपने, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया क्या? सो ये दोनों चीज़ें आप कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर वाली भी, और अगर अच्छा लगे अंत तक तो आप ज़रूर लाइक पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चा, आज की इस कक्षा में बात करने वाले हैं हम लोग कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। सो बच्चा, कम्युनिकेशन चैनल यानी कि मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है जिसका नाम मैंने कुछ ए रखा हुआ है, और दूसरा कंप्यूटर है कुछ जिसका नाम है जो यहाँ पर बी है। सो यहाँ से मुझे ये जो फाइल है इसको कुछ यहाँ पर भेजना है, तो यानी कि ए से डेटा बी तक जाएगा, बट किस तरीके से जाएगा? सो यहाँ पर जो माध्यम, जो मीडियम यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, यानी कि जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा चैनल है? दो तरीके से हो सकता है, या तो हम तार का सहारा लेकर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पर होगा जो बिना तार के, जिसको हम कहते हैं वायरलेस। सो कहता है कि ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड टू इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन। यहाँ से अगर मेरा सोर्स है और यहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक डेटा जाना है, सो बिल्कुल ये जो ट्रांसमिशन बीच में मीडिया है जो हमारा यूज़ हो रहा है, कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है? क्या तुम तार का सहारा ले रहे हो, और क्या बिना तार के? यानी कि तार को हम लोग वायर्ड बोलेंगे, वायर्ड का मतलब गाइडेड होगा, और बिना तार के यानी कि वायरलेस, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अनगाइडेड मीडिया। तो इन्हीं के बारे में कुछ डिस्कशन है जो आज की इस कक्षा के अंदर होने वाली है। सो कहना यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ से अगर डेटा दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो माध्यम यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होता है वो आपका गाइडेड हो सकता है या फिर अनगाइडेड हो सकता है। तार का सहारा लेंगे तो आपके पास में कुछ तीन तारे हैं जिनका अलग अलग प्रकार से यूज़ है, और जो ये तीनों अलग अलग तारे हैं इनके प्राइस भी ऑफ कोर्स अलग अलग हैं। आपको ये जो प्रश्न है ये बहुत हेल्प करेगा केस स्टडी के अंदर। चलिए अब अगर बिना तार का सहारा लिए यानी कि जिसको आप अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं, तो वो हमारे पास में कुछ चार तरीके से होगा। खैर यहाँ पर तीन लिखे हैं। सो देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, और एक हमारा यहाँ पर होगा जो है सैटेलाइट, राइट। तो ये माध्यम है जो यूज़ किए जा सकते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। आप इसके लिए एक ऐसे एग्जांपल समझिए कि मुझे मान लीजिए कोई एक सामान है, वो मान लो दिल्ली से मुझे नोएडा है जो भेजना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मुझे सामान भेजना है, सो मैं जो मेरे पास में जो तरीके होंगे कि भाई मैं जो है ट्रक के थ्रू भेज सकती हूँ, कार के थ्रू भेज सकती हूँ, है ना। सो मैं खुद चल करके जा करके दे सकती हूँ। सो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जो आपका जा रहा है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जा सकता है, कभी किसी का सहारा लेके, कभी किसी का। तो वैसे ही जो हमारा डेटा है इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होता है, सो वो किस माध्यम से हो सकता है? हम तार से भी एक जगह से दूसरी जगह, कभी कभी हमारे हाथ में मोबाइल होता है और हम अपने मोबाइल को यूएसबी यहाँ पर कनेक्ट
कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र है जो कर लेते हैं। और कभी हमें क्या करना होगा, मुझे मान लीजिए किसी को स्कूल के अंदर या आप लोगों को मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर वायर तो लगी नहीं है बीच में, तो वायरलेस मीडियम यहाँ पर यूज़ होगा, राइट। सो हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है जो बेसिकली करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में वायर्ड मीडियम आता है और उसके अंदर आती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। सो बच्चा, ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ दिखने में इस तरीके से होती है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से केबल होती है और ये कह लो कि एक कॉपर की वायर होती है, ठीक है। इसका नाम ट्विस्टेड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो तारे हैं ये आपस में ट्विस्ट करके मुड़ी हुई सी होती हैं, ठीक है। सो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जैसे DNA की स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, है ना। सो उस तरीके का यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है जो बेसिकली होता है। तो कॉपर की वायर होती है और इसको क्या है, प्लास्टिक से कवर है जो बेसिकली किया जाता है। कहता है कि यूजुअली ए नंबर ऑफ सच पेयर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग। सो बिल्कुल, इसको रैप किया जाता है ताकि बाहर का जो इंटरफेरेंस है उससे है जो इसको बचाया जा सके। कहता है कि द ट्विस्टेड पेयर केबल आर ट्विस्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रॉस टॉक। देखिए बेसिकली क्रॉस टॉक होता क्या है, तो देखिए अगर हम इसको एक एग्जांपल समझेंगे कि भाई ये हमारी एक तार है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक तार है, इसको क्या किया जाएगा, इससे हमारा डेटा है जो बेसिकली लीक हो सकता है। सो इसको क्या किया जाएगा, किसी दूसरी तार से ट्विस्ट किया जाएगा ताकि वो जो अगर लीक हो रहा होगा डेटा तो उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो वो हमारा क्रॉस टॉक होता है, राइट। सो कहने का मतलब है कि इसको डेटा को हमारा जो प्रोटेक्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इनको आपस में क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है ताकि डेटा हमारा है जो लीक ना हो सके। फिर इसको ऊपर से एक प्लास्टिक की जैकेट है जो पहना दी जाती है। सो इस तरीके की ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ये कुछ दो तरीके की होती है, एक होती है शील्डेड और एक होती है अनशील्डेड। कुछ हमारी दो तरीके से होती है, एक शील्डेड होती है और एक अनशील्डेड होती है। अनशील्डेड के ऊपर जो हमारी नॉर्मल आप कह लो, लेकिन शील्डेड की बात करेंगे तो वहाँ पर एक मेटल का एक और जैकेट है जो उसको पहना दिया जाता है, जस्ट किस लिए कि डेटा को मोर सिक्योर किया जा सके, ठीक है। सो डेटा की मोर सिक्योरिटी के लिए कि भाई और लीक ना हो डेटा, उसके लिए इसको एक और जैकेट पहना देंगे और फिर ऊपर से उसको प्लास्टिक का कवर दे दिया जाता है। तो वो हमारी शील्डेड के अंदर आती है और जिसके अंदर ऐसा जैकेट होता नहीं है वो अनशील्डेड के अंदर आती है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको बेसिकली है जो रियल लाइफ में जो है दिखाई देगी। अनशील्डेड यानी कि कुछ नॉर्मल इस तरीके से, और शील्डेड के अंदर ये कुछ इस तरीके से मेटल का एक जैकेट पहना दिया जाता है, राइट। ये हमारी अनशील्डेड हो जाती है, इसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ है जो किया जाता है। आगे पढ़ेंगे RJ45 कनेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिकली जो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके आगे है जो लगाए जाते हैं ताकि हम इसको अगर कंप्यूटर वगैरह के साथ कनेक्ट करें तो इसका CPU वगैरह के पीछे पोर्ट होता है और वहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं, और आपने शायद इनको देखा भी होगा, है ना। तो ये हमारे RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक होते हैं और इनके थ्रू बेसिकली है जो हम लोग आगे इनके लगा करके और फिर हम कनेक्ट है जो कर पाते हैं। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कहता इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल 1 mm थिक। अच्छा, इसकी थिकनेस के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर बेसिकली क्या है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही सस्ती होती है। इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है, और इसके अंदर एट्यूनेशन से बेसिकली मीन है कि भाई डेटा आपका लीक यहाँ पर हाई होता है, ठीक है। सो जो लीकेज ऑफ डेटा है वो यहाँ पर हाई होगा, और बेसिकली आप कह सकते हो कि इसका यूज़ फ़ोन वोन जो हमारे घरों में होते हैं उनके अंदर बेसिकली इनका यूज़ है जो होता है। लीकेज से आप एक एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता था, बचपन की बात कर लो, अभी भी अगर कोई फ़ोन यूज़ करते होंगे तो जैसे हमने फ़ोन उठाया तो बारिश के दिनों में या फिर आम दिनों में भी हमें दूसरे के घरों की आवाज़ है जो सुनाई देती थी, है ना। सो मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं लेकिन हमें उस फ़ोन पर डेटा कैसे लीक होता हुआ, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हमारे ही फ़ोन से बात हो रही है, और कभी कभी बहुत धीमा धीमा जो है हमें दूसरे की आवाज़ या साउंड है जो दिखाई दे पड़ता था, सुनाई पड़ता था, है ना। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो है इसके अंदर डेटा का लीकेज बहुत हाई लेवल पर है जो होता है, और ये बहुत सस्ती होती है, मेंटेन करना इसको बहुत ही ईजी होता है। कहीं कह लीजिए कि इसको लंबी दूरी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती थी, और इसके लिए रिपीटर्स का यूज़ है जो बेसिकली किया जाता था। इसकी बैंडविड्थ भी इतनी खास नहीं होती थी, लो होती है, होती थी आप कह सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं और एक कदम और बढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम नेक्स्ट केबल के बारे में बात करते हैं, और जो कि है हमारी कोएक्साइल केबल। सो बेसिकली आपने इसको TV वगैरह के पीछे है जो देखा होगा,
ये थोड़ी सी बेटर होती है किससे, जो अभी हमने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा उससे. सो कहता है कि जो आपकी कोएक्साइल केबल होती है, इट इज़ ए अनदर टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम. सो ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले अगर हम कहें तो ये थोड़ी सी बेटर होती है उससे. इसकी बैंडविड्थ भी हाई होती है, डेटा भी इतना ज़्यादा लॉस्ट है जो यहाँ पर नहीं होता है. तो बेसिकली अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है. सो यहाँ पर क्या होता है, वैसे आपको डायग्राम वाइग्राम आएगा नहीं बनाने के लिए, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि एक बीच में एक कॉपर की वायर होती है, ठीक है. सो यहाँ पर इसको यहाँ इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से कॉपर का मैश है जो दे दिया जाता है, और फिर आपकी आउटर जैकेट है जो बीच बेसिकली पहनाई जाती है इसको, ठीक है. सो कहता है कि इट हैज़ ए कॉपर वायर, ठीक है. कॉपर वायर यहाँ पर होती है और इसको ढका जाता है किससे, इंसुलेशन मटीरियल के साथ में, ठीक है. और फिर जो आपका इंसुलेटर होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, इस कॉपर की वायर से. और कॉपर की वायर को बेसिकली आउटसाइड एक कवर है जो पहना दिया जाता है. तो इतना डीप में आएगा नहीं, बट यस अगर आप जान रहे हैं तो आप अच्छे से जानिए, है ना. सो चलिए, कुछ इस तरीके की होती है आप लोगों की ट्विस्टेड कोएक्साइल केबल. सो बात करते हैं, ये थोड़ी सी महंगी होती है अगर आप मुकाबला करोगे किसके साथ में, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ में. इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, मैनेज कर पाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका टूटने वूटने का डर है जो बेसिकली रहता है यहाँ पर, कि इसकी संभाल आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके टूटने वूटने का डर है जो बेसिकली रहता है. एट्यूनेशन इज़ लो, तो यानी कि डेटा लीकेज होता तो है बट इतना हाई नहीं होता है जितना आप कह लो कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर होता था. डेटा ट्रांसमिशन रेट भी इसका थोड़ा सा बेटर है उससे, ठीक है. विड्थ भी इसकी ठीक होती है as comparison to twisted pair cable. So चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे. अब आपको शायद मेरी ये कही हुई बात याद आए ऑप्टिकल फाइबर के लिए. सो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली बाकी जो हमारी तारे हैं, ठीक है, उनसे आप कह लो कि बहुत बेटर है. सो कहेंगे कि तारों में तार तो ऑप्टिकल फाइबर. सो ये तार सबसे एक्सपेंसिव तार है जो मानी जाती है और होती है, मानी भी नहीं जाती है. ऑफकोर्स ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और इसके अंदर जो आपका डेटा है वो बहुत ही सिक्योर होता है और ये बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है. सो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं आप इसको एज़ कंपैरिजन बाकी की जो हमारी तारें हैं उनके मुकाबले, ठीक है. सो इसके लिए बिल्कुल एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप इसके साथ में काम है जो करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए. बाकी इसके अंदर एट्यूनेशन वेरी लो, डेटा हमारा बहुत ही आप कह लो कि 0% तक लीक है जो होता है. लंबी दूरी तक डेटा हमारा है जो पहुँच जाता है, सिग्नल्स इतने ज़्यादा वीक नहीं होते हैं. बैंडविड्थ भी कुछ 10 Gbps के करीब है जो होती है, यानी कि ये तार अच्छी है एज कंपैरिजन हमारी बाकी तारों के. ऐसा होता है ना जब हमने इंटरनेट कनेक्शन लगाना होता है, सो आपने सुना होगा जी कि जो इंटरनेट लगाने के लिए आते हैं वो आपको इस तार के बारे में बताते भी हैं कि फाइबर ऑप्टिकल है जो उसको घर तक पहुंचाया जाएगा, है ना. सो यानी कि आपकी जो तार या जो मीडियम है डेटा का वो यहाँ पर कौन सा रखा जा रहा है, वायर्ड के अंदर आपका फाइबर ऑप्टिकल है. तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपके जो इंटरनेट की स्पीड है वो अच्छी होगी क्योंकि ये जो तार है इसमें आपका डेटा लीक भी नहीं होता है, स्पीड बहुत अच्छी आती है. एंड आप कह लो कि स्पीड बहुत अच्छी आएगी, डेटा लीक नहीं होगा बट एक्सपेंसिव होगे. चलिए ये चार पांच चीज़ें हैं. अब आप मैंने इन सबको यहाँ पर ऐसे इस कुछ इस तरीके से कंपेयर कर दें, अपनी फ़ोटो थोड़ी सी ऊपर कर दो तो आप क्या कर सकते हो, इनसे अपने नोट्स हैं जो बेसिकली बना सकते हो, ठीक है. तो ये आपको उसमें हेल्प है जो बेसिकली करेगा. चलिए खैर आगे चलते हैं और बात करेंगे अब वायरलेस मीडियम के बारे में. तो तारों के बारे में जान लिया कि भाई आपके पास में ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्साइल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल है. सबसे बेटर तार आपको बता दी कौन सी तार है, फाइबर ऑप्टिकल, है ना. फिर आपकी जो थी कोएक्साइल जैसे टीवी वगैरह में लगती थी वो बीच की तार आप कह सकते हो. फिर आपकी सबसे जो कह लो कि भाई जिसमें डेटा आपका बहुत ही लीक होता है, बहुत ही स्पीड स्लो है और सस्ती भी है. सो ये आप लोगों की तार है कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल. अब हम यहाँ पर बात करेंगे वायरलेस यानी कि बिना तार के जब हम ट्रांसमिशन करते हैं डेटा का तो कौन कौन से माध्यम या मीडियम है जिनका यूज़ किया जाता है. सो कहता है कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इन शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया. कोई भी बिना तार वार का सहारा लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफ़र है जो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन है जो दूसरे डिवाइसेस के साथ बना सकते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्लूटूथ का,
बहुत बार हम ब्लूटूथ के थ्रू डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। जैसे हमने कभी गाने सुनने हैं, है ना, स्पीकर्स को हम अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ में जोड़ देते हैं और गाने हैं जो आराम से सुनते हैं। सो बिल्कुल ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके, वायरलेस के। तो चलिए इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट को कुछ। सो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका इंफ्रारेड वेव। सो इंफ्रारेड वेव बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपके पास में एग्जाम्पल ले लेते हैं रिमोट कंट्रोल का, ठीक है। सो ये जो है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो यहाँ पर एसी है जो ऑन हो गया, ऑफ किया। अब क्या होगा कि मान लीजिए मैं पड़ोस के घर में चली जाती हूँ, वहाँ से मैं अगर इस बटन को प्रेस करती हूँ कि अच्छा मेरा जो एसी है वो ऑन हो जाए, तो क्या होगा आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और मुझे आंसर दे सकते हैं कि मैम बिल्कुल भी नहीं, या फिर मैं 1 किलोमीटर दूर चली जाऊँ, है ना, घर से 4-5 घर पार्क में चली जाऊँ, इधर उधर चली जाऊँ, वहाँ पर जाकर के मैं एसी ऑन करूँ, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये बहुत ही शॉर्ट जो आपका मीडियम है ना, मतलब शॉर्ट आप कह सकते हो रेंज, है ना, तो उसके लिए तो बहुत बेटर है कि आमने सामने दोनों ऑब्जेक्ट हों। जैसे मान लो जो है टीवी है मेरा सामने है, तो वहाँ से मैं रिमोट के लिए बटन ऑन कर रही हूँ, तो आमने सामने दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो दैट इज़ ओके। बट बीच में अगर कोई भी दीवार भी आ जाए तो भी उनका जो ट्रांसमिशन है वो आपस में क्या हो जाएगा, जो है रुक जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कह लो कि भाई जो इसकी अप्रॉक्स होती है 5 मीटर, तो कह लो कि अप्रॉक्स कह सकते हो, बट इससे भी लमसम कम ही होती है। 5 मीटर तो खैर बहुत बड़ी सी बात हो गई, है ना। तो कहने का मतलब है कि इंफ्रारेड थोड़ी सी शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पर यूज़ में आता है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल एक ही झटके में समझना है तो आप इस फोटो को देख लीजिए, टीवी और रिमोट दोनों आमने सामने हैं तभी चलेगा। आप कहीं इधर उधर चले गए और बीच में मान ली कोई भी एक दीवार या कुछ भी आ गया, तो आपका जो है लिंक है जो एक दूसरे से नहीं हो पाएगा। सो कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपकी ये शॉर्ट रेंज के लिए बेसिकली यूज़ होगी। सो बाकी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। कहता है कि लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, इंफ्रारेड यूजेज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट और ये जहाँ से भी आप रिमोट वगैरह है तो वो दोनों क्या होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। सो ये पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए बोला गया है। सो बोथ ट्रांसफर एंड रिसीवर शुड बी प्लेस्ड इन लाइन ऑफ साइट। सो बिल्कुल एक ही आप कह सकते हो लाइन में होना चाहिए। अगर ये इधर है और ये इधर है, बीच में कुछ भी आ जाता है तो ट्रांसफ़र डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह होगा नहीं। तो कहता है कि भाई अगर एक कमरे में आपका टीवी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, सो ठीक है अगर आप यहाँ से बटन ऑन करते हैं रिमोट के तो ओके है, बट अगर आप दूसरे कमरे में जा कर के बेसिकली करने की कोशिश करते हैं टीवी वीवी ऑन, जैसे अभी एग्जांपल दिया, तो ऐसा हम कर नहीं सकते हैं बेसिकली। सो आगे देखते हैं। और इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल आप कह लो कि सस्ता तो है ही, है ना, रिमोट वगैरह आपको ख़रीदने में कितना जो है लगता है, आई थिंक आप कह लो 50-100, है ना। सो कहने का मतलब है कि ये इतना महंगा नहीं है, ये सस्ता मीडियम है जो आपका वायरलेस है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और कहता है कि सिक्योर है कि आपका अगर ऑब्जेक्ट सामने है और इधर आपका जो है रिमोट आपके पास में है, आप बटन प्रेस करते हो और आपका चल जाता है ना। सो यानी कि क्या है कि दोनों सेंडर रिसीवर एक ही जो है सामने होते हैं, तो डेटा लीक होने के चांसेस भी यहाँ पर रहते नहीं हैं, ठीक है, और आपका डेटा कह लो कि मच सिक्योर है, राइट। सो चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि कुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल लंबी दूरी के लिए यहाँ पर हम यूज़ इसको नहीं कर सकते, हाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दैट्स ओके। अब ऐसा नहीं है कि भाई बाहर बारिश हो रही है तो और हम अगर टीवी ऑन कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस पर वेदर का कुछ असर है जो नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दोनों सामने खड़े हैं तो वो ऑन होगा तो होगा ही, ठीक है, यानी कि वेदर का कोई इसके ऊपर है जो असर नहीं होने वाला है। अब आगे चलेंगे और इसको बेसिकली हम टीवी वगैरह या रिमोट वगैरह के लिए है जो यूज़ में लाते हैं, जैसे अगर कोई डोर है हमारा जो रिमोट वगैरह से ओपन या क्लोज़ होता है, सो वायरलेस स्पीकर वगैरह है, तो वहाँ पर हम इसका बेसिकली यूज़ है जो करते हैं। आगे चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पर रेडियो वेव्स के बारे में। सो रेडियो वेव्स कुछ थोड़ी सी ज़्यादा दूरी के लिए हम इसका बेसिकली यूज़ है जो करते हैं। सो रेडियो वेव्स हमारी कुछ होती है कि कैन कवर द डिस्टेंस अ फ्यू मीटर्स, जैसे वॉकी टॉकी हो गया,
वॉकी टॉकी आप लोगों ने कभी बचपन में खेल खेल में खेला होगा कि भाई एक जना है जो इधर है और अब हम दूसरा जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर जा कर के देख जो है उसकी आवाज़ सुनते हैं, वॉकी टॉकी की आवाज़ कैसे आ रही है, कैसे है ना। सो बिल्कुल, और बेस्ट एग्जाम्पल आप इसका FM वगैरह समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ियों में FM वगैरह जो चलता है तो वो भी इसका एग्जाम्पल है किसका, रेडियो वेव का। रेडियो वेव जो हमारी बेसिकली होती है ना वो ओमनी डायरेक्शनल है जो होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है कि जैसे ये देखिए हर जगह इसकी जो रेंज है इस तरीके से जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेंज है जो जा रही है, मतलब इस दायरे के अंदर जितनी भी गाड़ियां आ रही होंगी वो सारी की सारी हैं जो इससे कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो मतलब इस रेंज के अंदर जो जो गाड़ियां होंगी वो सारी आपके FM से हैं जो कनेक्टेड होंगी और आप गाने मजे से सुन रहे होंगे, है ना। तो कहता है कि रेडियो वेव्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में है जो जाती हैं। अभी कहता है कि भाई जो आपके सेंडर और रिसीवर जो दोनों हैं वो सामने ना भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब इस रेंज के अंदर अंदर आते हैं जो भी, तो वो सारे के साथ, जैसे इस रेंज के अंदर ये घर आ रहा है और भी कोई घर है इस रेंज के अंदर आ रहा है तो वो सारे हैं जो कनेक्टेड हैं जो होंगे, ठीक है। सो रेडियो वेव्स हैं वो इजीली आपकी माउंटेन वगैरह जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर आप कह लो कि ईजिली इससे काम है जो बेसिकली हो जाता है। सो हिली एरियाज़ के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ में लेकर के आते हैं। सो यहाँ पर इसी की रेंज आपको कुछ यहाँ पर बता रखी है, और फिर कहता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल है यानी कि सारी डायरेक्शन में ये जो है अब मूव है जो हो सकता है, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बता रखी है। अब लंबी दूरी के लिए ऑफकोर्स ये ट्रांसफ़र है जो डेटा यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो है बाहर बारिश वारिश हो रही है, वेदर वगैरह ख़राब है ना, तो उस टाइम पर बिल्कुल असर है जो पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर बारिश हो रही होती है तो FM भी इतना अच्छे से है जो नहीं चलता है, उसमें कड़ 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 ऐसी आवाज़ सी आती रहती है ना। सो बिल्कुल बारिश वारिश या वेदर का असर है जो उसके ऊपर होता है। अब देखो FM वगैरह या फिर आप कह सकते हो AM वगैरह टेलीविज़न है ना, सो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं, कहता है कि रेडियो रिसीवर्स कैन कैच द सिग्नल्स इनसाइड बिल्डिंग ऑल्सो। अगर बिल्डिंग के अंदर भी है, अगर आपका रेडियो वगैरह अंदर है आपके घर के, तो भी वो इजीली कैच कर रहा है। इसमें इंडोर आउटडोर सारे कम्युनिकेशन है जो पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए हमारी गाड़ी अब बहुत अंदर है जो जा कर के खड़ी है, ठीक है। सो अब हम जो है गाड़ी के अंदर अगर FM वगैरह लगा रहे हैं तो बिल्कुल कैच करता है ना। सो आगे चलिए, ये कह लो कि इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। सो रेडियो वेव्स आर द मोस्ट इकोनॉमिकल, बिल्कुल मोस्ट इकोनॉमिकल है कि आप इसको जो है अपने बजट के अंदर आप है जो लेकर के आ सकते हो। सो कह लो कि ये आपका फाइबर ऑप्टिकल है, मे बी उससे भी आप कह लो कि चीपर है थोड़ा सा। इनसिक्योर, हाँ इनसिक्योर तो है कह सकते हैं, जैसे कि अगर इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो कि आर्मी वर्मी के अंदर वो लोग वॉकी टॉकी वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो अपने कोडवर्ड नहीं यूज़ करते हैं, दिल मांगे मोर है ना, मतलब कुछ भी वो कोडवर्ड में के अंदर है जो बात करते हैं, शेरा और ये सब है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई वो जो ये इनसिक्योर है, सो बीच में मान लो कोई और दुश्मन का जो है वॉकी टॉकी वो भी कनेक्टेड हो गया, उसको भी सुन सकती है वो वाली आवाज़ है ना। सो कह लो कि इनसिक्योर तो है क्योंकि उस दायरे में उस रेंज में जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे उस आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए कोड वर्ड है जो बेसिकली उनका यूज़ है जो किया जाता है आर्मी वगैरह के थ्रू, ताकि डेटा है जो बिल्कुल लीक ना हो, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि रेन का या थंडर स्टोरम वगैरह जो भी है उनका, मतलब वेदर का यहाँ पर असर है जो होता है, राइट। कभी कभी हम रेडियो वगैरह चलाते हैं तो बारिश जैसी सी आवाज़ आती रहती है ना। तो यानी कि अगर बाहर मौसम अच्छा नहीं है तो फिर रेंज भी इतनी अच्छे से है जो पकड़ नहीं पाता है ना। चलिए आगे चलते हैं और माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे। एक माइक्रोवेव हमारी मम्मी हमारे किचन में है जो यूज़ करती है, हम खाना वाना पिज़्ज़ा वगैरह बना बना के खाते हैं, वो वाला नहीं है यहाँ पर, ये दूसरे वाला है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, इसके अंदर, और कह सकते हो कि इसकी जो रेंज वगैरह यहाँ पर आपके पास में लिखी हुई है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कैन मूव ओनली इन ओनली वन डायरेक्शन, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। इस पिक्चर के अंदर क्या है, एक आपका यहाँ पर कह लो टावर है, ठीक है, ये पहाड़ों वगैरह में आपने देखा होगा इसको, है ना, पहाड़ों में देखा होगा, या फिर मान लो बीच में एक बहुत बड़ी नदी सी आ रही है, सो डेटा इधर से इधर है जो भेजना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी नदी सी आ रही है, तो बेसिकली क्या होगा फिर इस तरीके से होंगे, तो इन दोनों का फेस क्या होगा, एक दूसरे की तरफ ही होगा, तो ये लंबी जो सीध है,
सो यहाँ से आप कह लो कि इस तरीके से कम्युनिकेशन है जो बिल्कुल हो पा रहा है. बेसिकली अगर मान लीजिए बीच में कोई ऑब्स्टैकल, कोई वैसे तो दीवार इतनी लंबी तो होगी ही क्या, है ना. सो उसका कुछ है जो इतना असर है जो नहीं होता है बेसिकली, है ना. सो यहाँ पर कहता है कि नीड लाइट ऑफ साइट. लाइट ऑफ साइट का मतलब है कि एक ही सीध में होने चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि अगर ये है जो उधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है तो डेटा आपका नहीं, दोनों एक दूसरे की आमने सामने है जो होना चाहिए. तो इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है जो बेसिकली ये भी बोलते हैं, ठीक है. तो आप कह लो कि बीच में अगर बहुत बड़ी नदी सी आ रही है, जैसे इसमें देखो बीच में एक पहाड़ आ रहा है, ठीक है. अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर पाएँ, तो ये डेटा यहाँ से इसको भेज रहा है और यहाँ से डेटा इसके पास में आ रहा है. तो यानी कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सामने होने चाहिए, आमने सामने. सो ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आप इसको कह सकते हो. सैटेलाइट की अगर बात करोगे तो सैटेलाइट बताने से पहले एक बार दिखा देते हैं, है ना. सो ये हमारी जो अर्थ के भी ऊपर है जो लगाए जाते हैं सैटेलाइट, उनकी बात है जो बेसिकली हो रही है. जैसे अगर हमें जो है, जैसे आप YouTube वगैरह पर, है ना, अर्थ को लाइव है जो देखते होंगे, तो वो जो सैटेलाइट ऊपर लगा है तो वो देखो वॉच कर रहा है हमारी अर्थ को, एक्टिविटीज़ को, कि क्या क्या जो है हो रहा है. और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जैसे हम लोग गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, तो वो भी सैटेलाइट का ही व्यू है जो हम लोगों को दिखाई देता है. सो यानी कि बहुत लंबी दूरी है और वायरलेस जो है कम्युनिकेशन करना है तो सैटेलाइट के थ्रू है जो होगा. जैसे यहाँ से US की बात कर लो तो बहुत ही लंबी दूरी, तो वहाँ पर हमारा जो है सैटेलाइट बीच में है जो आ जाता है, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा एरिया आप कह सकते हो एक अर्थ का है जो कवर करता है. और ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव भी है. ऐसा नहीं है कि हमें अगर डेटा ट्रांसफ़र करना तो हमने सैटेलाइट ऊपर फिक्स कर दिया, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, सैटेलाइट हम ऐसे नहीं फिक्स करते हैं. इसके लिए गवर्नमेंट वगैरह की बहुत जो है पैसा ऑफ कोर्स लगता है, जो है आपको लीगली बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई अपना सैटेलाइट नहीं लगा सकता, है ना. ये भी एक लीगल चीज़ के अंदर आ जाता है. पर एक टर्म देखिए, डाउन द लिंक. डाउन लिंक बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ, जिसको बोला जाता है डाउन द लिंक. चलिए ये हमारा यहाँ पर है जो ख़त्म होता है. और अगली कक्षा के अंदर हम लोग बेसिकली करेंगे बिल्कुल नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम और रिपीटर, इनके बारे में हम लोग है जो जानने वाले हैं. सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा चैप्टर, है ना. सो अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना. और बिल्कुल आप लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं वो एक हौसला, एक मोटिवेशन है जो देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग के अंदर आपकी जो आंखें हैं, आपका जो हाव भाव है, वो हमें सामने दिखाई देते हैं और हमें इतना बोलने की या पूछने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ती है. लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये चीज़ें बार बार बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि वाकई में एक रिस्पॉन्स है जिसकी हमें ज़रूरत है, है ना. तो चलिए, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसी के थ्रू हम आपको रिस्पॉन्स है जो दे पाएंगे. तो यानी कि एक कड़ी है, ठीक है. सो कहने का मतलब है कि गाइज शेयर कर दीजिएगा इस लेक्चर को, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को साथ में खूब 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 शेयर कर दीजिए. चलिए फिर, हाँ, मिलेंगे आपको खूब एनर्जी के साथ में अगले लेक्चर के अंदर. सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.